जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोच कर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आखिरी दिन भी आएगा। इस लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों से मैं रोज सुबह आईने में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ। कहानी शुरू होती है मेरे जन्म से। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहिता थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसी दंपत्ति को गोद देंगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले ही यह तय हो गया था कि मुझे एक लॉयर और उसकी पत्नी गोद लेंगी, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वे मुझे गोद लेना चाहते हैं। वे तैयार हो गए। हालांकि मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीने बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने यह वादा किया कि वह मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप लेने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। अब मुझ पर कोई दबाव नहीं था। अब जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, अब मैं सिर्फ वही क्लासेस करने लगा। क्लासेस की फीस के लिए मैंने वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बेचना शुरू किया और पैसे की कमी के कारण पास के ही मंदिर में जाकर वहाँ मिलने वाला खाना खाने लगा और अपने होटल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में जमीन पर ही सो जाया करता था। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय सही था। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। मेरे दोस्त वोज और मैंने मिलकर गैराज में एप्पल की शुरुआत की। इस समय मेरी उम्र महज 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में एप्पल ने ऊंचाइयां छू ली। एक गैराज में दो लोगों से शुरू हुई कंपनी अब 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपना सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने भविष्य में कंपनी के लिए विजन सेट किया। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। ये स्टीव के जीवन का सबसे दुखद पल था, लेकिन स्टीव ने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। एप्पल से निकलने के बाद स्टीव ने नेक्स्ट इंक और पिक्सलर नाम की कंपनी स्टार्ट की और वो भी काफ़ी सफल रही। एप्पल का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था और ऐसा होता हुआ देख एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को वापस कंपनी ज्वाइन करने को कहा। तब 1996 में स्टीव ने दोबारा एप्पल ज्वाइन किया और पिक्सलर को एप्पल के साथ जोड़ दिया। उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको CEO का पद दिया गया। सन 1998 में उन्होंने iMac को बाजार में लॉन्च किया जिसको काफ़ी लोकप्रियता मिली और उसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक iPhone और iPad भी लॉन्च किए। दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजवाने वाले स्टीव की मौत 5 अक्टूबर 2011 को पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा था, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को करना है। हम सभी के पास कम समय है, इसलिए किसी की बात सुनने के बजाय अपने अंदर की आवाज़ सुनो और जो आवाज़ आती है उसे मानो और आगे बढ़ो।